साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज एक नए टॉपिक पे बात करूंगा, शायद आज तक नहीं तो ऐसा वीडियो आपने देखा है और नहीं यूट्यूब पे कहीं पे मिलेगा। ठीक है साथियों, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मेरा ओपिनियन है, मेरी राय है, आपको कैसा लगता है। मेरे माइंड में ये बातें आई क्योंकि मैं सर्चिंग कर रहा हूं पिछले महीने भर से कि अगर कुछ ऐसा किया जाए तो कैसा लगेगा। हालांकि अटपटा सा लगेगा, आप लोगों को भी यार ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर ऐसा हो जाए तो आप लोगों को इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। क्या आप जॉब की 100% श्योरिटी चाहते हैं? क्योंकि मैं सोचता हूँ साथियों कि एजेंट कुछ बताते हैं और है, दिखाते हैं और है। आप यहाँ पे कुछ और बताया, वहां पे जाके कुछ देखते हैं तो जो बताया उससे उल्टा मिलता है या वो नहीं मिलता, 19-20 का फर्क आ जाता है। ठीक है, अगर आप 100% जॉब की श्योरिटी चाहते हैं, अगर आप जानने से पहले कि आप जॉब देखना चाहते हैं कि ऐसा जॉब, ये जॉब है ये ही मिलेगा अपने को, इसकी 100% श्योरिटी क्या आप चाहते हैं, जॉब की स्थिति, आप कहाँ आपको रहना पड़ेगा, आपका रूम कैसा होगा, आपका किचन कैसा होगा, आपको खाना कैसा मिलेगा, अगर आपको बनाने की जरूरत पड़ी खाना बना के खाने की तो क्या स्थिति होगी, सुविधाएं आपको क्या क्या मिल सकती हैं कंपनी में रहने में, ठीक है, वीजा कैसा, कंपनी कैसी रहेगी, आदि के बारे में क्या आप जानना चाहते हैं रियल में, जैसे आप खुद कंपनी पहले विजिट करके आए हो फिर आपको वीजा अप्लाई करके जाना है। जी हाँ साथियों, अगर ये आप चाहते हैं तो आपको थोड़ा सपोर्ट मुझे मेरा करना पड़ेगा कि ये मैं आप सिर्फ मेरी राय रख रहा हूं, कोई थोप नहीं रहा हूं। आप मुझे बताना कि आपको ये अच्छा लगे, यस या नो में आंसर आपको देना है। ठीक है, उस पर आगे सोचेंगे, आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो कैंसिल कर देंगे इसको। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए दुबई के जॉब आते हैं, कुवैत के जॉब आते हैं, मलेशिया के जॉब आते हैं, गल्फ से रिलेटेड, फिलहाल गल्फ की मैं बात कर रहा हूँ, गल्फ की शुरुआत अपन अगर करते हैं तो जो वैकेंसीज मेरे पास आती हैं, ठीक है, ज्यादा दूसरों की बात नहीं करूंगा, जो वैकेंसीज मुझे लोग बताते हैं, सर हमारे पास ये काम आया, हमारा वीडियो बना के आप डाल दो, तो भाई मैं खुद जाऊंगा पहले वहां पे, समझ रहे हो बात को, जैसे दुबई का लगभग काम दुबई का आता है अपने पास में, तो मैं खुद दुबई जाऊंगा, जाके वहां देखूंगा कि ये काम है, ये सिस्टम है, इतनी तनख्वाह है, वहां से जो पहले से वर्कर काम कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट है, क्या रियल में जो बताया वो उनको मिल रहा है, कंपनी अच्छी है, पूरी डिटेल मैं बना के आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। जी हाँ साथियों, मैंने ये सोचा है कि वहां की जो रियल लाइफ स्थिति होगी उसको कवर करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों को छोड़ दूंगा, फिर आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो उस जॉब में आप अप्लाई करके वहां पे आ सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अब ये आपको पता है, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे खर्चा कौन देगा, इतना बड़ा करोड़पति तो मैं भी हूँ कि मैं भी नहीं हूँ कि मेरा खर्चा करके आपके लिए मैं जॉब वीडियो बनाता घूम लूँ, ऐसा तो संभव नहीं है। मेरा टाइम खराब होगा वो तो मेरा रहेगा, मेरा वीजा भी लगेगा, मेरी टिकट भी रहेगी, मेरा रहना खाने का खर्चा भी आएगा, मेरा ट्रेवलिंग का खर्चा भी आएगा, वहां पर दुबई जाने के बाद भी घूमना पड़ता है, तो ये नहीं कि जाके रूम में या होटल में बैठ गए वहीं से सब जॉब आ रहे, नहीं, रियल स्थिति देखना है लाइव, तो खुद जाना पड़ेगा जिस कंपनी का जॉब आया उसमें। ठीक है, ये खर्चा कहाँ से आएगा, मेरे हिसाब से अगर दुबई 7 दिन बंदा 10 दिन घूम के आता है तो 50-60 हजार रुपए आराम से लग जाता है, वीजा भी आ जाता है अगर महीने भर का वीजा जाता है, या फिर टिकट भी आ जाती है, फिर वहां रहना वगैरह खर्चा पड़ जाता है, तो ये खर्चा आप लोग मुझे दोगे। जी हाँ साथियों, अपने पास कोई लुखा छुपी कुछ भी नहीं है, जो है वो क्लियर है, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ये खर्चा आप लोगों को देना होगा। कितना, मात्र एक कैंडिडेट को 1100 रुपए मुझे पेटीएम मेरे अकाउंट में डालने पड़ेंगे। जी हाँ साथियों, जैसे 50 लोगों के पैसे मेरे पास आ जाते हैं, मैं खुद वहां जाऊंगा, जॉब देखूंगा पहले, फिर उनका पूरा सिस्टम A to Z वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, फिर आप उस वीजा में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें टेंशन लेने की भी आपको जरूरत नहीं रहेगी, आपको भय भी नहीं रहेगा, अगर ठीक है, समझ रहे हो, कुछ बात सारी बातें उसमें आप बेफिक्र हो जाते हो कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जॉब में अपने को जाना है। और भाई मैं जो बताऊंगा वो कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, इस बात को हमेशा याद रखना, इंसान झूठ बोल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता, कैमरे के सामने जो चीज आ गई वही आपको अगर मिलती है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। 50-60 हजार रुपए एक ट्रिप का खर्चा आता है, वो अगर आप खर्चा मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और टाइम मेरा खर्च होगा वो मैं भुगत लूंगा, बाकी यार 1100 रुपए में अगर आपको सच्चाई का पता लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो 1100 रुपए आपको जाता है, क्योंकि जो बंदा विदेश जाता है 1 लाख रुपए का कम से कम गल्फ का खर्चा, बाकी कंट्रियों में जाए तो ज्यादा लग जाता है। तो साथियों ये मेरी निजी विचार है, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अपन ऐसा करेंगे, वरना कोई बात नहीं। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।